माध्यम से पूरे देश में प्रदेश में जा रहा है। बहुत से लोग इस आयोजन को घर बैठे देख रहे हैं, बाद में भी हमको देखने को मिलेगा और ये हम शुक्रिया अदा करेंगे आदरणीय सनम जी बाबू बानापुरा सिंह मालवा जो लंबे समय से हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम उनके लिए भी जोरदार एक बार ताली बजाकर शिक्षक महोदय दोनों का आशीर्वाद और सहयोग हमको मिलता है। दोनों की उपस्थिति इस मंच पर है, जोरदार उनका ताली से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में खापा ग्राम पंचायत के उप सरपंच आदरणीय पवन भैया और हमारे दिनेश बचले ठेकेदार चिखली जिन्होंने भी हमेशा हमको सहयोग प्रदान किया है और भी अन्य गणमान्य नागरिक ग्राम पंचायत ढोडरा मऊ के सरपंच आदरणीय रामेश्वर जी अखंडे सभी का सहयोग और मार्गदर्शन हमको मिलता है। सभी का जोरदार ताली से स्वागत करें एक बार पुनः। और ये इनाम की राशि जो आई है ब्रजमोहन उइके 20 रुपए, राज इरपाचे 10 रुपए, रूप सिंह परते डाबरी 25 रुपए, बुदेशी लविस्कर 20 रुपए डाबरी और राजू मर्सकोले दारम खेड़ा 21 रुपए, दिनेश बचले ठेकेदार 50 रुपए और आदरणीय गोपाल सिंह जी उइके शिक्षक महोदय दारम खेड़ा 101 रुपए की राशि। और ये श्री राजवा भाई किड़कड़ी 21 रुपए, ये इनाम की राशि ले जाए श्री राम मंडल बोल रही है। एक विशेष सूचना सभी मंडलों को, पहले हमने अब इस प्रतियोगिता में सिर्फ 10 मंडलों को लिया है, जैसा कि 10 इनाम हमारे इस प्रतियोगिता में रखे गए थे और प्रतिदौर हम इसके बाद प्रारंभ करेंगे। सभी भजन मंडल हैं अपने क्रम का ध्यान से सुने। हेलो श्री उसमें कट गए ना 3 मंडल। जिन 10 मंडलों को प्रति दौर में प्रवेश हम देने जा रहे हैं उसमें सर्वप्रथम है श्री सरस्वती भजन मंडल ढोडरा मऊ, श्री यादव मंडल पावर झंडा, सुदर्शन मंडल सिलप्पी, श्री राम मंडल बोर्ड रैयत, तारा मंडल भियाडोल, श्री कृष्ण सुदर्शन मंडल रजोरा जाट, श्याम मंडल आयता, सिद्धि विनायक मंडल नीमिया, नवज्योति मंडल थपाड़ा। और जो अंतिम मंडल अभी मंच पर है, जैसा कि हम आपको सूचित कर दिए हैं सभी मंडलों को, इन मंडलों को तृति दौर में महाभारत से 10 मिनट में आपको वीर रस के अंतर्गत अपनी कथा प्रस्तुत करना है। 10 मंडलों को हमने सूचित कर दिया है, जिसमें एक मंडल अभी अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर है, श्री कृष्ण मंडल बोरखेड़ा नरसुल्लागंज जिला सीहोर। हेलो बड़ाना भैया से सा और सुपर चीज मंडल। तो कहना है कि जब तक हो सकेगा झगड़े को टालते जाएंगे, कि दोस्तों जब तक हो सकेगा झगड़े को टालते जाएंगे और तू ये मत समझना कि हम हार के जाएंगे। अरे मैदान का बंदोबस्त हम भी करके आए हैं रावत, तो जख्म देगा तो हम मौत के घाट उतार के जाएंगे। पावन अवसर पर और इस भवन भजन प्रतियोगिता के आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश रामसत्ता भजन प्रतियोगिता के जाने माने गायक भजन सम्राट आदरणीय महेश भैया हम सबके बीच में हैं। संयोग ऐसा है कि वो पूरी मंडल के साथ नहीं आए, फिर भी वो अपने कला का प्रदर्शन हमारे बीच में करेंगे। वो हमारे बीच में आए, हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार महेश भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। और हम जिस मंडल को सुनने जा रहे हैं यादव भजन मंडल पावर झंडा, अपनी सेटिंग हो गई है, इसके बाद जो मंडल आने वाला है
बोल रही है श्री बाल कृष्ण मंडल बोल रही है, तैयार रहे भैया। कि बेटियों के बारे में हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि उसके दूसरे दर्जे का स्थान दिया जाता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि बेटी को बेटा बना के पालो तो दिल को छू लेगी, बेटी को बेटा बना के पालो तो दिल को छू लेगी, और करोगे विश्वास बेटियों पे तो विश्वास को छू लेगी। अरे बेटियों को नजरअंदाज मत करना, खोलोगे पंख तो आसमान छू लेगी, आसमान छू लेगी, आसमान छू लेगी। अब चालू करें भैया। हेलो 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 जय हेलो हेलो, थोड़ा सा बेस। हेलो हेलो जैक हेलो हेलो, और साउंड थोड़ा सा और बड़ा। हेलो हेलो जैक हेलो हेलो, ठीक है। हेलो हेलो, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम अब इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि सभी मंडलों को कहीं ना कहीं जाना है और कार्यक्रम सभी जगह लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आयोजन समिति का निर्णय है 6 मंडलों को 10-10 मिनट के लिए पुणे आना है, और ये हमारे तृतीय दौर की अंतिम मंडल है नवज्योति मंडल धपाड़ा, और इसके बाद रजोरा जाट मंडल तैयार है। शायद मैंने फेसबुक से ही निकाला था कि कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती और चेहरे की हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। कि कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती और चेहरे की हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती, पाना तो सभी चाहते हैं जिंदगी में सब कुछ, लेकिन कब कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती, साथ नहीं होती, साथ नहीं होती। जो धन वाले धन पर मिटते रहे, लोग धन की लालच में धन पे मिटते रहे, और कई लोग बनकर भ्रमर गुण बदन पर मिटते रहे। अरे मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, लेकिन वो अमर हो गए जो वतन पे मिटते रहे और तन पर मिटते रहे। ये पूरी दुनिया आपकी हो सकती है, बस एक भोले बाबा की मेहरबानी चाहिए, भोले बाबा की मेहरबानी चाहिए। हारमोनियम थोड़ा सा और बढ़ा दो।